नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ECS T10 रोमानिया के आज के दिन के दोस्तों तीसरे मुकाबले की, जो यहां पे खेला जाएगा टीम BUG वर्सेस टीम ZIN के बीच में। तो इस मुकाबले के अंदर, इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारियां बताऊंगा कि आपको कौन से प्लेयर्स स्मॉल लीग में पिक करने हैं, कौन से प्लेयर्स ग्रैंड लीग में पिक करने हैं, कौन से बैट्समैन आपको किस नंबर पे बल्लेबाजी करके देंगे, कौन से बॉलर्स आपको प्रॉपर दो ओवर का बॉलिंग स्पेल कंप्लीट करवा के दे सकते हैं। तो अगर आप इस मैच में विन करना चाहते हैं या फिर आप इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और प्रॉफिट करना चाहते हैं ना, तो वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, आप इस मैच में अच्छा खासा प्रॉफिट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी आफ्टर लाइन भी टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के समय 14,900 से ज्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन है और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाए। फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो है आपको दोस्तों सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगा। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों इस मैच के वेन्यू की। तो ये मैच मुरारा वेलेस की क्रिकेट ग्राउंड पे खेला जाएगा, जहां पर इनके बाकी के मैचेस खेले जा चुके हैं और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर आपको 123 के आसपास बनता हुआ नजर आ जाएगा। बात की जाए अगर यहाँ पे टीम BUG की, तो आज के दिन का अपना पहला मैच ये खेलेंगे और अपना जो लास्ट मैच ये प्ले किए थे वहाँ पर ये विन किए थे। ZIN की टीम ऑलरेडी अपना एक मैच खेल के आई है और अपना लास्ट मैच हार कर भी आई है। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन की। पहला नाम आपको देखने को मिलता है एस सोहेल की मैं बात करूँ दोस्तों, तो बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं, लेकिन लास्ट मैच में अपनी टीम के लिए ओपन करने आते हैं, साथ में अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करते हैं, लेकिन लास्ट मैच में कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाते, अपनी टीम के लिए मात्र सिर्फ 10 रन ही बना पाते हैं। ओवरऑल खिलाड़ी ठीक ठाक है, बाकी के मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप यहां से इनको ट्राई करोगे। दूसरा नाम दोस्तों इन्हीं की टीम से निकल के आता है चमीका की मैं बात करूं, तो लास्ट मैच में नंबर 4 पर ये बल्लेबाजी करने आते हैं और काफ़ी शानदार तरीके से 46 रन अपनी टीम के लिए बनाते हैं। इसके अलावा आपको एक या दो ओवर की ये बॉलिंग भी करके दे सकते हैं। लास्ट मैच में इन्होंने दो ओवर की बॉलिंग भी की हुई है पर कोई भी विकेट इनको नहीं मिला है, पर बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, तो आप यहाँ से इनको भी ट्राई करोगे। BUG की अगर मैं बात करूं तो इनकी ओर से नाम निकल के आता है तिवारी का, जिनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, तो आपको इनको यहां से पिक करना नहीं है। तो कीपिंग सेक्शन से हम यहां से जो दो विकेट कीपर्स के साथ जाएंगे, वो यहां से पहला सोहेल, दूसरा यहां से दोस्तों चमीका को प्रेफर करेंगे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की। बैटिंग सेक्शन में दोस्तों पहला नाम निकल के आता है बारवे की बात की जाए दोस्तों, तो लास्ट वाले मैच में अपनी टीम के लिए ओपन करने ज़रूर आते हैं, लेकिन सिर्फ 4 रन ही अपनी टीम के लिए बना पाते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम यहाँ से निकल के आता है बुद्धिका की बात की जाए, तो भाई इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो इनको मैं पिक करने वाला नहीं हूँ। बारवे अगर आप चाहो तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो। इसके अलावा नीचे की ओर आप जब आओगे तो आपके सामने एक नाम निकल के आता है डी लकमल की बात की जाए, लास्ट मैच में नंबर 3 पर इन्होंने बैटिंग की थी, लेकिन अपनी टीम के लिए सिर्फ 6 रन ही ये बना पाए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी इन्होंने काफ़ी अच्छी की थी, एक ओवर की स्पेल में इन्होंने अपनी टीम के लिए 2 विकेट निकाले थे, तो यानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों आपको करके देंगे, तो मैं यहां से इनको पिक करूंगा। फिर यहां पे नाम निकल के आता है दोस्तों टी उल हसन बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे, अपनी टीम के लिए ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट मैच में बॉलिंग से एक विकेट भी निकाला है, प्रॉपर 2 ओवर की बॉलिंग की थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों इनकी बल्लेबाजी की, तो वहाँ से इन्होंने 51 रन भी बनाए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे, तो आप यहाँ से इनको ट्राई कर सकते। तो बैटिंग सेक्शन से दोस्तों मैं यहां पे जो 3 बैट्समैन पिक करूंगा वो यहां से हैं बारवे, लकमल और यहां से दोस्तों टीयूल हसन। बात करते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की। पहला नाम निकल के आता है मधुशंका का। मधुशंका ने दोस्तों लास्ट मैच को अगर आप छोड़ दीजिए तो इनके बाकी के जो भी मैचेस रहे वहां पर इन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की हुई थी। लास्ट मैच में इन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया, काफ़ी महंगे भी साबित रहे, पर विकेट टेकर बॉलर हैं, हो सकता है कि इस मैच में आपको विकेट निकाल कर दे जाए। दूसरा नाम दोस्तों यहाँ पे के देविंदा का आता है, जो कि आपको अपनी टीम के लिए ओपन करते हुए तो नजर आएंगे, लास्ट मैच में देखा जाए तो 22 रन बल्ले से इन्होंने बनाए थे, इसके अलावा आपको गेंदबाजी भी करके देंगे, लास्ट मैच में सिर्फ 1 ही ओवर की गेंदबाजी की थी, दूसरा ओवर जब तक करते तब तक मैच
खत्म हो चुका था, बाकी बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे, आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक और नाम निकल के आता है आर मेंदिस का। आर मेंदिस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 72% लोग इनको लेके जा रहे हैं। लास्ट मैच जो आर मेंदिस अपनी टीम के लिए खेले थे वहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपनी टीम के लिए सिर्फ एक ओवर ही किया था जहाँ पर इनको कोई भी विकेट नहीं मिला था। टूर्नामेंट के पहले मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, दूसरे मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तीसरा मैच इनका काफ़ी ही बेकार गया, लेकिन विकेट टेकर बॉलर है, अगर बॉलिंग मिलती है तो आपको विकेट निकाल कर दे सकते हैं। इसके अलावा एस विश्वास ने लास्ट मैच में एक विकेट निकाला, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ से एम कोहली का नाम आता है जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देंगे, हालांकि ओपन भी करते हैं तो आप यहाँ से इनको भी ट्राई करोगे। तो ऑलराउंडर सेक्शन से देखा जाए तो अभी के लिए भाई मैं यहाँ से चार मेन ऑलराउंडर्स के साथ जाने वाला हूँ जो कि यहाँ पर एस मधुशंका, देविंदा और मेंदिस और यहाँ से एम कोहली रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों पहला नाम आता है यार पुथन का। पुथन की बात की जाए दोस्तों तो लास्ट मैच में इन्होंने ऑलमोस्ट बॉलिंग की एक ओवर की पर कोई भी विकेट नहीं मिला था, पर अपनी टीम का विकेट टेकर बॉलर है, आप ट्राई करोगे। दूसरा नाम है खदाका का। खदाका अपनी टीम के एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, लास्ट मैच में भी विकेट निकाला है तो मैं यहाँ से इनको पिक करूंगा। बाकी अगर आप देखोगे तो आपके सामने दो ऐसे ऑप्शन ओवर हैं। पहला तो ऑप्शन जवायो का है जिन्होंने लास्ट मैच में देखा जाए तो बॉलिंग से कुछ भी खास नहीं किया था, बल्लेबाजी भी इनकी इतनी कुछ खास नहीं रही थी, लेकिन बाकी के अगर आप मैचेस देखोगे जैसे कि इस मैच में इनका 18% सिलेक्शन था, अच्छा परफॉर्म कर गए थे। तो भाई देखो अगर बॉलिंग नहीं मिलेगी तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अगर बॉलिंग मिलेगी दो ओवर की तो एक या दो विकेट लेके चले जाएंगे। तो अगर यहाँ पे बीयूजी की टीम पहले बॉलिंग करती तो आप सेफ जा सकते हो जवायो के साथ, बाकी अभी के लिए मैं यार पुथन को ही ट्राई करूंगा। तो हमारी टीम जो है वो दोस्तों यहाँ पे रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने। 5 खिलाड़ी मैंने बीयूजी के लिए हैं, 6 खिलाड़ी मैंने यहाँ पे ZNI के लिए। बात करता हूँ भाई कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसको देनी चाहिए। कैप्टन वाइस कैप्टन देखो काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास, तो अभी के लिए मैं कैप्टन एम कोहली को करूंगा, वाइस कैप्टन मैं देविंदा को करूंगा। बाकी डीयू लसन भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन देविंदा भी अपनी टीम के मेन प्लेयर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे तो मैं इसलिए इनके साथ जाऊँगा। तो हमारी टीम जो है वो दोस्तों यहाँ पर रेडी हो चुकी है, इसको सेव कर देते हैं और एक बार आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सेम टीम से स्मॉल लीग ज्वाइन करना, सेम टीम से आप दोस्तों ग्रैंड लीग ज्वाइन करना, तो एक बार आप टीम का प्रीव्यू देख लो, जो भी आपको चेंज करना हो अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मेरी इस टीम से कोई भी प्लेयर नहीं प्ले करता है आफ्टर लाइन पे टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी सीधा मैं आप सभी को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी के समय 14,800 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन है और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटा जरूर दबा लेना आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।